मुझे अपना सिक्किम टूर को बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। अब मेरे पास केवल यही रास्ता बचा है। नॉर्मली जहां मुझे इस जर्नी के केवल 3 से 4 घंटे लगने थे, वो दिन खत्म होते होते 12 घंटों में बदल गया। जहां दिन की शुरुआत करते समय मैं वरीड एंड अनहैप्पी था, वही दिन के खत्म होते होते मैं एक नए जोश के साथ आगे आने वाले ट्रैवल चैलेंजेस को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। मेरा नाम है अभिषेक और आज हमारे गैंगटॉक सिक्किम टूर का 4th दिन है। दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए अपने होटल से गैंगटॉक के एकमात्र फुटबॉल स्टेडियम और उसके आसपास के नज़ारों का मजा ले ही रहा होता हूँ कि सोनम भाई फोन करके मुझे एक बैड न्यूज देते हैं कि हमारा नॉर्थ सिक्किम का परमिट कैंसिल कर दिया गया है। मेरे सिक्किम आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं गुरुडोंगमा लेक, जीरो पॉइंट, यमथांग वैली देख सकूं, पर सारे ख्वाब ख्वाब ही रह गए। टूरिस्ट और लोकल्स का भी नॉर्थ सिक्किम जाना मना हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। पहला, या तो हम गैंगटॉक में रुककर वेट करें फिर से परमिट्स मिलने का। दूसरा, हम क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग चले जाए। आई एम समवन हु प्लान्स एवरीथिंग मेटिकुलस। आई लाइक टू हैव ऑल कार्ड्स अप ऑन माय स्लीव्स। पर ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन था। दार्जिलिंग में होटल बुक तक नहीं हुई थी। दार्जिलिंग का ये टूर लास्ट मिनट में प्लान करने से महंगा तो नहीं पड़ेगा? वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपके कई सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, ताकि आपके साथ ऐसा सिचुएशन आए तो आपको ये पता हो कि किस तरह से गैंगटॉक से दार्जिलिंग का ट्रिप प्लान करना चाहिए। नॉर्मली आपको गैंगटॉक से दार्जिलिंग जाने में 3.5 घंटे लगते हैं और मारुति की वैगन आर का 3 से 4 हजार टैक्सी फेयर लगता है। पर नॉर्थ सिक्किम ना जा पाने का मलाल को कम करने के लिए मैंने अपने रूट में कुछ जबरदस्त लोकेशंस को ऐड किया। अब हम 3 नहीं बल्कि 12 आवर्स में ये जर्नी करने वाले थे। सोनम भाई से थोड़ा मोल भाव करने पे मुझे गैंगटॉक से रवांगला बुद्धा पार्क होते हुए नामची 4 धाम, साई मंदिर, संद्रत्स मॉनेस्ट्री और तब आगे दार्जिलिंग पहुँचने का टैक्सी फेयर 6,500 लगा। ही गेव येट अनदर फैबुलस डील। हमने अपना नया प्लान 1 घंटे में बनाया और निकल गए आगे सफर की ओर। अब जो होगा देखा जाएगा, पर हाँ, हमारे होटल ओनर्स वर सो काइंड दैट दे पैक्ड सैंडविचेस, स्नैक्स एंड जूसेस फॉर आवर अनप्लान्ड जर्नी अहेड और दार्जिलिंग में एक अच्छे बजट होटल को बुक करने में मदद भी की। थैंक यू यशी एंड च्योलम रेजिडेंसी फॉर देयर फैबुलस हॉस्पिटैलिटी। हम गैंगटॉक से सुबह 7 बजे निकलकर सिंगताम से डाइवर्शन लेते हुए नामची जाने वाले रस्ते में आगे बढ़ चलते हैं। पहला और जरूरी स्टॉप 9 बजे सिक्किम गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिस के पास तारकू विलेज में होटल 3 वेज में चाय और नाश्ते के लिए लिया। इस रूट में खाने के रेस्टोरेंट्स कुछ कम ही दिखे, पर यहाँ रोटी, फ्राइड स्क्वश, आलू दम, राई साग, एक कंप्लीट इंडियन ब्रेकफास्ट वर्जन खाने को मिला, जो काफी सिंपल पर लाजवाब था। इस पॉइंट से आगे नामची डायरेक्ट जा सकते हैं, पर हम आगे रवंगला के रास्ते बढ़ चले और गैंगटॉक रवंगला का 64 किलोमीटर का सफर लगभग 3 घंटे में पूरा करते हुए 10 बजे बुद्धा पार्क पहुंच जाते हैं। रवंगला का बुद्धा पार्क, जिसे तथागत असाल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के साउथ सिक्किम में रवंगला मार्केट से 10 मिनट की ड्राइव पे बना है। यहाँ पर पर्सन एंट्री फीस 80 रूपए और टैक्सी पार्किंग फ्री है। ये सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है, एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। इस पार्क का मेन अट्रैक्शन सक्यमुनि बुद्धा की 2550वीं जयंती पे बनाया गया 130 फीट 40 मीटर ऊंचा स्टैचू है। जैसे ही हम पार्क के अंदर पहुंचे, तो ऊंचे दीवार की तरह खड़ी माइटी कंचनजंगा के आगे सोने की तरह चमकती हुई बुद्ध की मूर्ति को देखकर इसके लार्जर देन लाइफ आर्किटेक्चर के चार्म में 2 पल को खो गए। ठंडी हवा, हरे भरे हिमालय पहाड़ और सामने भगवान बुद्ध, ये एहसास बिल्कुल अनोखा है। आप जब भी यहाँ आए 2 से 3 घंटे का समय जरूर रखें, वरना पछताएंगे। यहाँ हमारे सिक्किम के ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनने पे इन मॉन्क्स का ये कहना कि आप लोग सिक्किम रॉयल खानदान के लग रहे हैं, ये काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। वी रियली फेल्ट लाइक वी बिलोंग टू दिस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। दीज फैबुलस ड्रेसेस विल कॉस्ट यू 100 रुपीज ईच। यहाँ इन मलेशियंस कपल से जानकर बहुत अच्छा लगा कि ये मंक्स इनको इंडिया में बुद्धा सर्किट के सारे मठों के दर्शन कराने 1 महीने की पवित्र यात्रा पे निकले हैं, और ये बुद्धा पार्क इसी हिमालयन बुद्धिस्ट सर्किट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये स्टैचू अंदर से एक भव्य दिव्य स्थान भी है। अंदर फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, पर बौद्ध इतिहास को दिखाते हुए 1 से 1 स्ट्रक्चर अंदर बने हुए हैं, जिसे जरूर देखिएगा। बाहर निकलकर हमने प्रेयर व्हील्स का सबसे बड़ा इंस्टॉलमेंट देखा। इतने प्रेयर व्हील्स मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। अगली बार रवांगला 1 दिन जरूर रुकूंगा। यहाँ आकर दिन भर मेडिटेशन करते हुए बिताना चाहता हूँ। ये जगह अद्भुत है। आगे 27 किलोमीटर के सफर कुछ खतरनाक और संकरी खाई वाले रास्तों से गुजरते हुए। नेक्स्ट ब्लॉग कमिंग सून। ज
जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का वो आइकॉनिक फोटो भी शामिल है। जब सिक्किम रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 22वां राज्य 1975 में बना और 11 किलोमीटर दूर बने नामची चार धाम की तरफ चल पड़े। अभी और काफी रास्ता बचा है। अभी तक जितना हो सका मैंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है, पर अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, इसलिए मैंने सभी सवालों को इस ब्लॉग में लिख दिया है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। इस ब्लॉग को YouTube में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ताकि आपको इसे कभी भी वापस रेफर करना हो तो इजी रहेगा, इंटरनेट हो या ना हो।